और अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद के नामपल्ली के एरिया अस्पताल में कथित तौर से डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि नामपल्ली के एरिया अस्पताल में 16 बच्चों को वैक्सीन देने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें तुरंत नीलोफर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 की हालत चिंताजनक बताई गई है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन देने के बाद बच्चों को दर्द निवारक दवाइयाँ देने की बजाय उन्हें अन्य दवाई दी गई, जिससे बच्चों के शरीर में इन्फेक्शन और बढ़ गया। पीड़ित परिवार के सदस्यों के नामपली अस्पताल से नीलोफर अस्पताल के पास बड़ी संख्या में पहुंच जाने से वहां तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि पुलिस ने अस्पताल के आसपास सुरक्षा का बंदोबस्त किया। MIM पार्टी से नामपली विधायक जाफर हुसैन महराज और अन्य पार्टी नेताओं ने नीलोफर अस्पताल पहुँच कर बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री इटला राजेंद्र ने भी फोन करते हुए नीलोफर अस्पताल से बच्चों के विषय में बातचीत की और जरूरी चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। दिन भर अच्छा था बच्चे, 7 बजे बुखार जरा थोड़ा आंग गरम हुआ तो वो गोली डाले वो गोली डाले तो बस बच्ची बात नहीं, छत लगा दिए, पैर नहीं हल रहा, झट उसको देख के हम सीधा यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर लाए तो शरीक करे, ग्लूकोज भी नहीं लगाए रात में, खाली या नीचे इंजेक्शन दिए। 6 बच्चे इसी तरह 4 महीने 3 महीने 5 महीने पूरे बच्चे गोलियां तो डाले तो सही नहीं है बच्चे, वो गोली जो दिए ना वो गोलियां डालने से हुआ। मैं सुबह में 12:30 को लेके गया था नामपल्ली हॉस्पिटल, जिरे में रहता हूँ, लेके जाके टीका दिलाया पैरासिटामोल बोल के टेबलेट दिए तो गोली, एक बुखार लाइट बुखार चढ़ा था बच्ची को तो 2 गोली खिलाया मैं बच्ची को। 1 बजे से जो बच्ची सो गई पूरा रात में 4:30 बजे तक सो गई, अब जरा लाइट नॉर्मल है। मैं रात में 11:30 को ले लिया, इंजेक्शन में प्रॉब्लम है या गोली में प्रॉब्लम है इसका तो 5 महीने की है मेरी बच्ची। नामपल्ली को गया था तो मेरे को नीलाफर को जाओ बोल के बोले।